हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं प्लांटर्स के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की हार्ड शीट लेंगे और उस पर बटरफ्लाई के विंग्स ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। ऐसे हम दो विंग्स कट करेंगे। ध्यान रहे दोनों विंग्स सेम साइज के होने चाहिए। फिर मैंने ये होममेड क्ले लिया है, इसकी जगह आप फेविक्रिल का मोल्डेड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एमसील भी ले सकते हैं। इसे हम बटरफ्लाई की बॉडी का शेप देंगे। फिर हम एक वायर लेंगे और ग्लू की हेल्प से हम इस क्ले को इस पर स्टिक कर देंगे। फिर हम विंग्स पर भी थोड़ा ग्लू लगाकर बटरफ्लाई की बॉडी के अंदर अच्छे से स्टिक कर देंगे। उसके बाद हम एक थोड़ा पतला वायर लेंगे। मैं यहाँ पर गोल्डन वायर ले रही हूँ, ये आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा। हम इससे बटरफ्लाई के एंटीनास बनाएंगे। हम इसे ऊपर से थोड़ा राउंड शेप दे देंगे और इसे भी ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। फिर हम इसे 24 आवर्स के लिए ड्राई आउट होने देंगे। उसके बाद हम इस पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बेस कोट के लिए व्हाइट कलर का यूज किया है। मैं यहाँ पर फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक कलर लेकर बटरफ्लाई के मिडिल पार्ट को कलर कर दूंगी और साथ ही इसके एंटीनास को भी कलर कर दूंगी। फिर हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर से बटरफ्लाई के विंग्स को कलर करेंगे। बेस कोट करने के बाद एक सिंगल कोट में ही कलर काफी अच्छा आ जाता है। के बाद मैं यहाँ पर गोल्डन येलो कलर ले रही हूँ और उससे हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर लेकर इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर हम 0 नंबर का ब्रश यूज करेंगे।
आउटलाइनिंग करने के बाद हम यहाँ पर ब्लैक कलर के कुछ डॉट्स बना देंगे। आप चाहें तो इन्हें ब्रश से बना सकते हैं या फिर ब्रश के पीछे वाली साइड से भी बहुत अच्छे से ये डॉट्स बन जाते हैं। ब्लैक कलर से डॉट्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर गोल्डन कलर लूंगी और उससे भी कुछ डॉट्स बना दूंगी और फिर मैं वाइट कलर से बटरफ्लाई की आईज बना दूंगी। यहाँ पर मैंने एक और बटरफ्लाई बनाई है और ये देखिए इसका फाइनल लुक।